कमेंट और लाइक का काम कर लेते हैं आज हम। अच्छा, इसको ज़रा सबसे पहले तो एक फोल्डर नया बना लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, एक इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसका एक नया फोल्डर बना लिया। अच्छा, लॉगिन साइनअप इंटीग्रेशन में हमने काफ़ी सारा काम कर लिया था, आई थिंक हमें इसमें भी फोल्डर की कोई डुप्लीकेशन करनी चाहिए थी, लेकिन वेल हमने लास्ट जो काम किया था इसमें टेलविंड से पहले वो तो ये किया था, लॉगिन साइनअप लगाने के बाद हमने जो है इसमें वो कर लिया था ना कि प्रोडक्शन रेडी कर लिया था इसको, इसका जो बेस यूआरएल वगैरह है उसके मामला सेट कर लिए थे, तो ये चीज़ें हमने की थी। तो ठीक है, वो उसको लॉगिन साइनअप इंटीग्रेशन में ही रहने देते हैं। अब हम एक बना लेते हैं यहाँ पे नया फोल्डर, और इस नए फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये बनी हुई पोस्टिंग ऐप है इसके अंदर हम एक बटन बना देंगे लाइक का, एक बटन बना देंगे हम कॉमेंट का, ठीक है, और उसको हम रिकॉर्ड करना सीख लेंगे MongoDB में, और उसको MongoDB पॉपुलेशन करके हम एक चीज़ होती है उसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, वो हमारा MongoDB पढ़ते हुए कवर नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये इसका नाम भी चेंज कर देते हैं हम, जो ये कॉपी बनाया ना हमने, इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं 10.likeCommentWithMongoDBPopulation, सही है, और इसको पहले हम इतने को कमिट कर देते हैं, सही है, ताकि हम जो भी काम करें वो हमें पता लग जाए कि क्या काम हुआ है। अच्छा, ये सारा हमने बंद किया, और अब टर्मिनल खोल के इसको हम रन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। टर्मिनल खोल लिया मैंने, और मैं CD करके 5 tab React, सही है, CD करके उसके बाद टैब, और 9 tab Enter, और यहाँ पे मैं आ गया 9 वाले फोल्डर में, ठीक है। मैं कौन से फोल्डर में आ गया, मैं इस वाले फोल्डर के अंदर अब आ चुका हूँ जिसपे 9 डॉट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आके मैंने npm run dev चला दिया, जिससे क्या हुआ, हाँ अच्छा 9 की कॉपी बनाई, यहाँ 10 जाना था ना मुझे, यहाँ गलत आ गया, मैं CD करके बैक गया मैं, और CD करके 10 चला गया मैं, हाँ यहाँ पे npm run dev हो गया, सही है, हाँ 10 वाले पे, सही बताया तुमने, 10 वाले पे चला गया, और यहाँ पे मैंने npm run dev कर दिया। अच्छा, अब साथ में मैंने क्या कर लिया, इसको स्प्लिट टर्मिनल करके एक नया ये भी खोल दिया, ठीक है, ZSH का एक और इंस्टेंस खोल दिया, और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि यार क्या हो गया आपका, CD वेब में जाओ, और वेब में जाके npm start, तो ये हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चल गया। इसको हम ज़रा अभी देखते हैं कि ये स्क्रीन पे अभी राइट नाउ कैसा दिख रहा है, और फिर हमने इसके ऊपर आगे क्या प्लान करना है वो भी हम देख लेते हैं। अरे यार, एक तो ये ना, ये टेलविंड को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करते हैं, इसने ये सारा ना, जो कम से कम यार इनपुट बॉक्स को इनपुट बॉक्स के जैसा तो दिखा, लॉगिन का बटन है, बटन जैसा तो दिखे कम से कम, कुछ नहीं भी लगा हुआ है तो, ये गलत किया है यार इन्होंने, ये क्या कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, टेलविंड के अंदर कोई है जो टेलविंड पे पहले से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ भाई, ये बटन को ये क्यों किया इसने ऐसा यार, ये क्या बकवास है, यही कर देता है, नहीं ये गलत किया इन्होंने यार। तो हम एक काम करते हैं, हम फौरी तौर पे टेलविंड को डिसेबल कर देते हैं, सही है, टेलविंड को डिसेबल करने के लिए मैं जाता हूँ वेब के फोल्डर में, और यहाँ पे जाकर टेलविंड कॉन्फ़िग है ना, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ख़त्म किया तो ये, अबे यार ये अभी भी नहीं हटा, ये क्या बकवास है, ये तो अभी भी नहीं हटा। package.json से मैं इसको भी उड़ा देता हूँ, मेरा टेलविंड कहाँ गया इसके अंदर, है ना, टेलविंड ये आ गया ना, टेलविंड CSS, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और इसको मैं एम्प्टी कैशे करके ज़रा करूँ, यार ये तो नहीं हटा, हाँ नहीं ये तो हटा तो नहीं, अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने का तरीका मेरे ये समझ आ रहा है कि नॉट मॉड्यूल को मैं रिमूव करता हूँ, और नॉट मॉड्यूल को रिमूव करके और ये डिपेंडेंसी हटा देता हूँ यहाँ से, और डिपेंडेंसी हटा के दोबारा npm चला देता हूँ, तो अब मैंने उसको नॉट मॉड्यूल से एक्चुअली डिलीट किया,
क्योंकि असल में चक्कर ये है कि अगर फंक्शनैलिटी और सीएसएस अगर हम दोनों करेंगे ना तो एक घंटे में ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, मसला ये है, ठीक है, कि फंक्शनैलिटी और दोनों चीज़ हमें अगर साथ साथ लेके चलनी है तो एक घंटे में हम कवर नहीं कर पाएंगे उसको। लिहाजा मैं जो है ना सीएसएस को, अगर तो वो सीधा सीधा बटन दिखा रहा है ना मुझे एटलीस्ट, तो फिर तो मसला नहीं था, वो बटन ही को पता नहीं गायब कर दे रहा है, टेक्स्ट और बटन में कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ रहा वो। ये ना नॉट मॉड्यूल से उड़ा दिया इसको तो ये सही हो गया, बगैर सीएसएस के फिलहाल करते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा जी, अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमारी यूआई पे आके हमें क्या बना देना होगा, हमें एक अदद जो हमारा होम का, होम पे लगाया हुआ ना हमने, किस पे लगाया था, होम पे लगाया हुआ था, ये आ गया हमारे हम होम के पेज के ऊपर। तो ये गेट ऑल पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सेट करा देते हैं, सेट ऑल पोस्ट किया ना, ये ऑल पोस्ट का मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें हम सेट करा देते हैं। अच्छा चलो जी आओ जो नीचे चलते हैं, अब ये कहाँ पे इसको मैंने प्रिंट किया हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। ये सारे मेरे फंक्शंस हैं जो कि हिट होते हैं, और ये मेरा फॉर्म है, पोस्ट करने का फॉर्म है ये, और ये मेरी ऑल पोस्ट की जो है ना ये फॉर लूप ऑल पोस्ट का मेरा चल रहा है। अच्छा इस ऑल पोस्ट के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक अदद बटन इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, ये किस चीज़ का है, अच्छा ये तो फॉर्म एडिट का फॉर्म है ना, ये हर पोस्ट के एडिट के बटन पे वो एक एडिट का फॉर्म पूरा खुल जाता है, तो ये फॉर्म हम बंद कर देते हैं, ठीक है, वो एडिट मोड वाला चक्कर है। अच्छा ये आ गई, मेरे पोस्ट का टाइटल आ गया, ये पोस्ट का टेक्स्ट आ गया, और उसके नीचे एक बटन आ गया दैट इज़ कॉल्ड एडिट, ठीक है, एडिट का बटन। अच्छा पहले तो ये सारा लॉग इन करके हम अंदर चलते हैं ना इसके, abc@abc, लॉग इन करके इसके अंदर आ गए, ठीक है, लॉग इन करके इसके अंदर आ गए हम। अच्छा इसके अंदर हमने वो फ्लैक्स बॉक्स CSS थोड़ा अलग से लिखा था, तो वो ये आ रहा है थोड़ा सा लिखा हुआ, बाकी जगहों पे वो थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा वेल अभी तो हमारा जो कंसर्न है वो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ दिस पार्ट। तो एडिट और डिलीट का जो बटन है ये असल में तो सही मानों में देखा जाए ना ये सामने इस तरह नहीं होता, ये होता है इधर 3 डॉट लगा होता है छोटा सा, उसके अंदर होता है ये, लेकिन उसके अंदर करना कोई मसला नहीं है, उसके अंदर करना कोई मसला नहीं है, बटन कहीं पे भी रख दें आप, वो तो बटन रहेगा है ना, जो 3 डॉट होता है ना, अगर आप जैसे मैं एक्चुअल अगर फेसबुक खोलूँ ना, या मैं लिंक्डइन खोलूँ, अगर लिंक्डइन के ऊपर मैं चला जाऊँ नोटिफिकेशंस में डायरेक्ट, तो कहीं पे भी ये डिलीट का या एडिट का जो बटन है ना ये सामने नहीं रखा जाता आमतौर पे, ठीक है। मैं माई पोस्ट में जाता हूँ ना ताकि मेरी पोस्ट वाला आ रहा हो। अच्छा ये आ गया माई पोस्ट। अच्छा यहाँ पे आप देखें ये 3 डॉट के अंदर होता है एडिट भी और डिलीट भी। एक तो रीज़न इसका ये होता है गलती से क्लिक ना हो गया, दूसरा ये होता है कि ये काम बहुत ही कम करता है बंदा, तो बहुत ही कम करने वाली चीज़ों को ज़रा छुपा देते हैं अंदर, और जो ज़्यादा काम करता है बंदा लाइक कमेंट वगैरह रीपोस्ट ये सामने होता है, तो ये क्योंकि बंदे ज़्यादा कर रहे होते हैं ये काम, वेल तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये सामने है, लेकिन अल्टीमेटली हम इसको CSS के थ्रू इसको छुपा देंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम हमारा लाइक जो है ना इसी के पड़ोस में लगा देते हैं, आप सब लोगों को ये पता है कि CSS से इसको कैसे छुपाया जाता है, ठीक है ना, ये एक छोटा सा डिव होगा यहाँ पे, एक छोटा सा डिव ऐसे बना हुआ होगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली रिलेटिव होगा इस पूरे बॉक्स से, और उस रिलेटिव बॉक्स को मैंने छुपाया हुआ होगा, वो एक बटन के क्लिक पे वो शो होगा, बटन के क्लिक पे वापस गायब हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से वो एक छुपा हुआ होगा एक्चुअली। तो अभी इसके पड़ोस में एक बटन बना देते हैं हम, लाइक का बटन, ठीक है, सेम इसी तरह का बटन होगा जैसे एडिट का बटन है, सेम इसी तरह का बटन होगा जैसे डिलीट है। तो मैंने बोला कि यार एक मेरे पास होगा डिलीट के फौरन बाद, एक होगा मेरे पास लाइक का बटन, सही है। अच्छा और एक मेरे पास बटन होगा कमेंट का बटन होगा, ठीक है, अच्छा आज हम शायद लाइक को सिर्फ कवर कर पाएं, कमेंट को हम आज कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लाइक वाला जो काम है ना असल में कमेंट और लाइक ऑलमोस्ट एक ही है, जब आपको अप्रोच पता लग जाएगी ना पॉपुलेशन होती कैसे है तो आपको दोनों समझ आ जाएगा, तो लाइक वाले को हम मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम कवर कर पाएंगे। अच्छा और लाइक में भी क्या होता है, ये बटन असल में 2 बटन होंगे, एक लाइक होगा एक डिसलाइक होगा, क्योंकि जब फेसबुक में क्या होता है कि लाइक का बटन आप दबाते हैं तो वो लाइक का बटन ब्लू हो जाता है, इसका मतलब होता है आप लाइक कर चुके हैं इसको, और दोबारा दबाने से वो अनलाइक हो जाता है, यानी वो लाइक हुआ हुआ जो वो अंडू हो जाता है ना, ये हो जाता है ना। तो हमें इसमें भी असल में क्या होगा, हमें 2 बटन बनाने पड़ेंगे, ये 2 बटन होंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम एक से शुरू करते हैं, पहले लाइक करने वाला काम कर लें, फिर उसको अंडू करने वाला काम भी हम देख लेंगे कि वो किस तरह से होते हैं। अच्छा इसके बटन के एक्शन के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि यार
डू लाइक हैंडलर, और इसमें मैंने पोस्ट की आईडी दे दी कि यार ये पोस्ट की आईडी है, इसको लाइक कर रहा हूँ मैं। अब ये पोस्ट किसी की भी हो सकती है, ये पोस्ट जो है मेरे पास सामने जो यहाँ पे आ रहा है ये पोस्ट, अच्छा ये डू लाइक हैंडलर क्योंकि है नहीं तो वो एरर मार रहा है, चलो बना देते हैं हैंडलर इसका ऊपर जाके। अच्छा डू लाइक हैंडलर किस तरह का होगा, जैसे ये डिलीट का हैंडलर है इसी तरह जो है वो ये वाला भी होगा। तो मैं डिलीट के ही फंक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इस फंक्शन को कट करके मैं क्या कर देता हूँ, नीचे लेकर आ जाता हूँ, ये सर्च वाला है ना इसके भी नीचे, ठीक है। तो डू लाइक हैंडलर ये मेरा आ गया, कि डू लाइक का मतलब है कि लाइक करने का फंक्शन है ये, ठीक है। अभी अनलाइक वाला जो है ना हम अभी देखते हैं, ये अनडू लाइक कर देंगे हम इसको, ये डू लाइक है और एक अनडू लाइक होगा। अच्छा जी ये हो गया मेरे पास। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया, क्या मैं बोल रहा था, हाँ यहाँ पे किसी की भी पोस्ट होगी। अच्छा यार पोस्ट के अंदर हमने बंदे का नाम नहीं शो कराया अभी तक, बंदे का नाम हमने शो करवाना था ना, ये तो ये पहले करना था हमें काम, तो एक काम करते हैं ये पहले करा लेते हैं, बंदे का नाम ना पहले शो करा लेते हैं। अच्छा बंदे का नाम यार हमें कैसे मिलेगा, आगे ज़रा ये देखते हैं ना हमें पूरे उसमें मिल क्या क्या रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको, और नेटवर्क में ये फीड जो मैं गेट करता हूँ, इस फीड में मुझे ऑथर की ईमेल तो मिल रही है ना यार, ऑथर की ईमेल तो मिल रही है मुझे, ऑथर की आईडी भी मिल रही है, ऑथर का ईमेल भी मिल रहा है ना। तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले, अच्छा ऑथर की आईडी हमें मिल रही है ज़रा गलत तरीके से, नहीं सही मिल रही है, सही मिल रही है, अंडरस्कोर आईडी है ना, ये अंडरस्कोर आईडी हमें मिल रही है। अच्छा तो सबसे पहले तो ऑथर की यार सबसे पहले नाम वगैरह हम डिस्प्ले कराते हैं ना। अच्छा ईमेल फौरी तौर पर लेकिन करवा देते हैं, ईमेल कैसे डिस्प्ले करवाएंगे हम, आ जाओ यार यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिख देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि पोस्ट का ये टेक्स्ट और पोस्ट का टाइटल ये लिखा हुआ है, तो पोस्ट के टाइटल से भी पहले एक मैं बना देता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ H4, थोड़ी छोटी एडिंग, और इसके अंदर मैं नाम लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ के पोस्ट डॉट, और क्या था ऑथर, सही है ऑथर ईमेल, ये ऑथर ईमेल आ गया, तो हर पोस्ट के साथ एक ऑथर ईमेल होगी। और अभी देखो मैं कितना मिस कर रहा हूँ टेलविंड को जो मैंने अपने हाथ से उड़ाया है, अभी मैं यहाँ पे चाह रहा था कि मैं ऐसे क्लास नेम लिखूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ बॉर्डर, ठीक है ना, क्या था B1 लिखता मैं, बॉर्डर आ जाता है इसके पास है ना, ऐसे बॉर्डर लिख देता मैं, और मैं लिख देता बॉर्डर ब्लैक है ना, ऐसे करता मैं मज़ा आ जाता, लेकिन अभी वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो उन्होंने बेवकूफ़ी की है, पता नहीं सब स्टाइलिंग सारी उड़ा देते हैं वो, अब मैं ये भी कर नहीं सकता मुझे अलग से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अभी कम से कम बॉर्डर तो लगाऊँ, दो पोस्टें अलग अलग तो दिखें, या अभी पोस्ट सारी मिक्स हो रही है, मिक्स पत्ती पक रही है अब है ना, लेकिन अब वो टेल विंड को मुझे हटाना पड़ा है, मजबूरन हटाना पड़ा है, वरना वो ये टेक्स्ट बॉक्स सारा गायब कर दे रहा है वो। अब या तो मैं सब पे लाइन से लगाऊँ बॉर्डर ताकि मुझे बॉर्डर हर चीज़ पर दिखे, बटन गायब कर दे रहा है यार, क्या बकवास है। वेल चलो, तो अभी मैंने यहाँ पे ईमेल दिखा दिया फ़िलहाल के लिए, अच्छा नाम भी दिखा दूंगा मैं, नाम असल में जो मैं लाऊंगा ना नाम इसका, वो मैं असल में लाऊंगा पॉपुलेशन के थ्रू, नाम मैं कैसे लाऊंगा, मैं लाऊंगा पॉपुलेशन के थ्रू। अच्छा तो कैसे लाऊंगा मैं पॉपुलेशन के थ्रू नाम इसका, मैंने ये आप लोग लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि ये जो है ना ऑथर आईडी जो है अंडरस्कोर आईडी, इस अंडरस्कोर आईडी को मैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। तो ये ज़रा पॉपुलेशन ये वाला पहले कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ये रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं, अभी हम जो काम करते हैं ना डू लाइक वाला, इसको हम पॉज कर लेते हैं, पॉज करके पहले हम चलते हैं अपनी API पे, और जो मेरा जो पोस्ट का ऑब्जेक्ट आता है उसमें ऑथर की जो आईडी है ना, उस आईडी को एक्चुअल यूज़र ऑब्जेक्ट से हम रिप्लेस मार देते हैं, ऐसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ प्रोजेक्शन के भी काम है, एम्बेडिंग इसके साथ साथ आ रही है, मुझे ये भी नहीं चाहिए थी, एम्बेडिंग को भी हटा देते हैं इसमें से, और कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छा क्रिएटेड ऑन के अंदर डेट है, डेट भी अभी लगाते हैं, पहले इस पोस्ट का हुलिया ज़रा सही करते हैं, पहले इस पोस्ट का हुलिया सही करते हैं, फिर हम लाइक के ऊपर मूव करेंगे। आ जाओ जी हमारे सर्वर के ऊपर आ जाओ, सर्वर पे मैं गया, और सर्वर में कौन से वाले राउट्स पे मुझे जाना है, ये मुझे जाना है राउट्स पे, और मुझे जाना है पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास गेट ऑल पोस्ट जो है ना, ये रहा फीड जो है फीड, इसमें मुझे वो चीज़ चाहिए ना, इसमें मुझे वो वाली चीज़ चाहिए। अच्छा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डॉट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन में वो सबसे पहले एम्बेडिंग तो रिमूव करूँ मैं, एम्बेडिंग रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होता है,
एम्बेडिंग रिमूव करने के लिए मुझे बोलना होता है कि यार एम्बेडिंग का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, एम्बेडिंग ही रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार एम्बेडिंग माइनस वन, सही है, इससे एम्बेडिंग रिमूव हो जाएगी, जो जो चीज़ रिमूव करानी है उसको मैं ऐसे बोलता जाऊँगा और रिमूव होती जाएगी। अब मैं जाता हूँ फीड में, क्या आया मेरे पास, अबे ये क्या हुआ, एम्बेडिंग रह गई बाकी सब उड़ गया, ये क्या हुआ अच्छा ज़ीरो होता है वो, ज़ीरो होता है, सही है, माइनस वन नहीं होता वो, मंगोस में, मंगोस याद आ रहा है मुझे। अच्छा आ जाओ भाई पोस्ट में, हाँ ये देखो ना एम्बेडिंग रिमूव हो गई, अब सही हो गया ना यार ये, वो एम्बेडिंग आती है ट्रैवल करके तो मेरा बैंडविड्थ इस्तेमाल करती है बिला वजह, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हैवी हो जाता है ट्रैवल करने में। अच्छा ये आ गया, अब मुझे अगला काम ये करना है कि जो मेरे पास ऑथर आईडी है ना अंडर स्कोर आईडी, इसको मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है। अच्छा इसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करने के लिए मुझे दो चीज़ें सबसे अहम रिक्वायर्ड है। नंबर एक चीज़ तो ये कि इसको जो सेव करवाया हुआ है ना वो डेटाबेस के अंदर, अभी मैं कंपास खोल के देखता हूँ, कंपास के अंदर जो ये सेव हुआ हुआ है वो किस तरह से होना चाहिए, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए MongoDB के अंदर। अगर वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, वो जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग अगर वो स्टोर हुआ हुआ है, तो ये काम अचीव नहीं कर सकता जो मैं बता रहा हूँ। सही है, कैसे खुलेगा ये, खुल जा भाई डबल क्लिक। अच्छा अब ये खुलेगा ना तो आप इसको देखेंगे, वो उसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी है वो। अच्छा CRUDDB है ये, CRUDDB में मैं पोस्ट्स में चला गया और पोस्ट्स के अंदर जाके मैं देखूंगा कि अच्छा ऑथर आईडी मेरे लास्ट में, ठीक है देखो जैसे ये अंडर स्कोर आईडी है ना ऊपर वाला, इसी तरह से ऑथर आईडी भी ऐसे ऑब्जेक्ट आईडी के तौर पे स्टोर है। अगर ये ऑब्जेक्ट आईडी के तौर पे नहीं होता, अगर ये होता है स्ट्रिंग में, बीच में एक दो शायद ऐसा होगा जो स्ट्रिंग में स्टोर होगा क्योंकि शुरू में हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया था शायद गलती से, अच्छा वो नहीं है, अगर वो सिंपल स्ट्रिंग होगा ना वो नहीं काम नहीं करेगा वो, सही है। तो हम आ जाते हैं वापस और हम क्या करते हैं इसके ऊपर, हम डॉट पॉपुलेट को हम कॉल करेंगे, ठीक है डॉट पॉपुलेट को कॉल करके हम, सही है पॉपुलेट, सही है ये पॉपुलेट मछली नहीं है, सही है ये पॉपुलेट है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि यार पॉपुलेट करो ये दोनों को थोड़ी, ऑथर आईडी को सिर्फ मैंने कहा ऑथर आईडी जो है ना इस ऑब्जेक्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी ऑथर आईडी, उसको आप क्या कर दो पॉपुलेट कर दो। पॉपुलेट का मतलब क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट आईडी है, उस ऑब्जेक्ट आईडी को रिप्लेस करके आप क्या ले आओ उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट ले आओ। अच्छा मुझे इसके अंदर ना कलेक्शन का नाम भी बताना होता है कि इस आईडी के नाम से कहाँ पे मिलेगा आपको, तो मुझे उसके लिए अभी एक मिनट देखते हैं ऐसे क्या होता है, फिर मैं उसके वो डॉक्यूमेंट से जाके ना देख लेता हूँ, ज़रा मैं भूल गया हूँ। अच्छा वो फेल हो गया ना, सही है, इसमें मुझे ना पॉपुलेट करते हुए ना सिर्फ ये बताना होता है कि ऑथर आईडी को करो, मगर वो इतनी सारी कलेक्शन है अब वो कहाँ से ढूंढ के लाओ, उस आईडी के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो किस कलेक्शन में मिलेगा, तो मुझे उसको ये बताना पड़ता है। तो मैं जाके करता हूँ क्या, वो MongoDB के ना डॉट पॉपुलेट लिख के ज़रा इसके मैं इसमें आ जाता हूँ, पॉपुलेट फंक्शन, अरे तो मंगोस पे जा रहा है, MongoDB पॉपुलेट फंक्शन, यार क्या बकवास है डॉक्यूमेंट इसका क्यों नहीं आ रहा, हाँ ये आ गया ना डॉट पॉपुलेट फंक्शन, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट पे नहीं गया, ये कोई आर्टिकल आर्टिकल पे चला गया, लेकिन जस्ट हमने तो सिंटैक्स देखना है तो यहाँ से देख लेते हैं क्या सिंटैक्स है। यार क्या सीन है, ChatGPT से ज़रा ले लेते हैं जल्दी से ना, मैं बोलता हूँ कि यार टीच मी MongoDB पॉपुलेट फंक्शन, MongoDB पॉपुलेशन, मैं ऐसे बोलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है फिर वो। चल भाई क्या हो गया, स्लो क्यों हो रहा है, हमारे टाइम पे स्लो हो रहा है, टीच मी MongoDB पॉपुलेट पॉपुलेशन, सही है विथ MongoDB लाइब्रेरी, मंगोस भी क्योंकि एक लाइब्रेरी है ना वो भी पहले यूज़ करते थे, अब ज़रा MongoDB की इटसेल्फ अपनी लाइब्रेरी ज़रा ज़्यादा जो है ना पावरफुल हो गई है। हाँ भाई चल रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है भाई। मंगोस पे ही गया ये, मंगोस पे ही चला गया ये वापस, मैं इसको लिख देता हूँ नॉट विथ मंगोस बट विथ MongoDB
लाइब्रेरी, हाँ सही है ना, अब सही आ गया, ये मोंगो डीबी पे आ गया। अच्छा जाते जाओ जी, अब आगे ये क्या चक्कर है, मोंगोडीबी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं यार। मोंगोडीबी के अपने डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं और हम चलते हैं नॉर्ड जेएस, सही है जी। और क्विक स्टार्ट, अब क्विक स्टार्ट से आगे जो है हमारे पास, क्विक यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पॉपुलेशन जो है वो मोंगोस का कोई कॉन्सेप्ट है, मोंगो डीबी में उसके पीछे कुछ और चलता है, शायद ये वाला चक्कर है। तो मैं वापस आता हूँ और इससे मैं ज़रा चैट जीपीटी से ये बात कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या मोंगोस की जो लाइब्रेरी है ना, है ना, ये मैंने इससे एक ज़रा सवाल पूछा है। नहीं यार इसको पता ही नहीं लग रहा, यहाँ पे तो डॉट पॉपुलेट का फंक्शन तो इन्होंने दिया हुआ है। काम करते हैं, इस फंक्शन के अंदर चलते हैं, इस फंक्शन के अंदर चलते हैं ना। यहाँ पे तो जब मैं डॉट पॉपुलेट लिखता हूँ, अच्छा नहीं आ रहा डॉट पॉपुलेट, तो कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा, डॉट पॉपुलेट का कोई फंक्शन नहीं आ रहा। लेकिन वो ऑटो कम्प्लीट इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो तो ऑटो कम्प्लीट तो हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ है ना, वो इस वजह से दे रहा है। तो अभी अभी हमने सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मंगोस के अंदर जो पॉपुलेशन चलती थी वो मोंगोडीबी में होती कैसे है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, या हमें मज़ीद क्वेरी मारनी होगी या हमें एग्रीगेशन लगाना होगा, क्या करना होगा। तो आओ ज़रा एग्रीगेशन को हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा कि एग्रीगेशन का क्या चक्कर है। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि यार इन दिस गाइड यू कैन लर्न एग्रीगेशन ऑपरेशन मोंगो डीबी नॉट जस्ट ड्राइवर, एग्रीगेशन ऑपरेशन आर एक्सप्रेशंस यू कैन यूज़ टू प्रोड्यूस रिड्यूस एंड समराइज रिजल्ट इन मोंगो डीबी। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे होते हैं, एग्रीगेशन असल में एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमने क्वेरी भेजी ना, अगर डेटाबेस के अंदर मुझे डिफरेंट कलेक्शन से तीन चार चीज़ें ला के इकट्ठी करनी होती है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है, तो वो मैं एग्रीगेशन के जरिए करता हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक क्वेरी मार के डेटा लाऊं, फिर दूसरा मार के डेटा लाऊं, तीसरा मार के और फ्रंट एंड में उसको इकट्ठा करूँ, मैं डेटाबेस के अंदर ही उसको इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वो इन्होंने बात लिख दी। तो ये एग्रीगेशन इन जनरल जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें एग्रीगेशन इस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, तो एग्रीगेशन ऑपरेशन आर एक्सप्रेशन टू रिड्यूस प्रोड्यूस, ठीक हो गया। मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन पार्ट ऑफ द क्वेरी एपीआई अलाउ यू टू क्रिएट पाइपलाइन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेजेस ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन योर डेटा। तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ना क्या हो गया कि यू कैन
एक पाइपलाइन बना सकते हैं आप जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेजेस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर क्वेरी मारोगे तो वो पाइपलाइन में दाखिल होगा। अब पाइपलाइन में उसमें आप दो तीन चार स्टेजेस बना सकते हो कि जी इस स्टेज पे ये लाके इसमें जोड़ो, फिर इसके अंदर देखो आईडी है उसमें से एक और क्वेरी मारो तो तीसरा स्टेज, तो ऐसे स्टेजेस होंगे तीन चार स्टेजेस वहाँ से होके गुजरेगा। ठीक है अच्छा, तो कह रहे कि यार ईच ऑफ दोज स्टेज परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन योर डेटा। अब हर स्टेज में आपने डेटा को थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे, कोई कहीं से डेटा ला के जोड़ोगे, कहीं से डेटा ला के रिमूव करोगे, ये जो हम ये सारा कर रहे हैं ना जो प्रोजेक्शन वगैरह ये भी उधर कर सकते हैं। अच्छा, यू कैन थिंक ऑफ एग्रीगेशन पाइपलाइन एज सिमिलर टू ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री मैनुफैक्चर रिक्वायर अ यूज टू असेंबली द स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टू द असेंबली लाइन, ईच स्टेशन हैज़ स्पेशलाइज टूल्स। कह रहे हैं आप इसको इस तरह समझें कि गाड़ी बन रही है कंपनी में। अच्छा, वो क्या होता है, गाड़ी का चेचिस पहले चढ़ता है लाइन पे। अब वो कोई उसमें दरवाज़ा लगा रहा है बंदा, उसको आगे कर रहा है, फिर कोई उसके अंदर स्टेयरिंग लगा रहा है, कोई व्हील लगा रहा है, तो ऐसे वो हर स्टेज पे वो कुछ ना कुछ काम होता जा रहा है और आखिर में वो पूरी गाड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन को ये कह रहा है कि आप इस तरह से समझें, सच एज ड्रिल्स एंड वेल्डर्स। हाँ, कह रहा है कि कोई ड्रिल कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, वो पूरा स्टेज आखिर तक तैयार हो जाता है। द फैक्ट्री ट्रांसफॉर्म एंड असेंबल द इनिशियल पार्ट एंड मटेरियल्स इन टू द फिनिश प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी, एग्रीगेशन पाइपलाइन इज असेंबली लाइन। ठीक है, एग्रीगेशन पाइपलाइन जो होगा वो क्या होगा, असेंबली लाइन होगी जिस पे आप अपनी क्वेरी को चढ़ाओगे और उस पाइपलाइन पे चलता हुआ वो असेंबली लाइन पे चलता हुआ आपका ना क्वेरी आगे जा रहा होगा। अच्छा, एग्रीगेशन स्टेजेस आर द असेंबली स्टेशंस। ये एग्रीगेशन स्टेजेस जो है ना वो एक 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 स्टेशन है, एक में आगे पहिया लग रहा है, अगले में आगे व्हील लग रहा है, एक में आगे दरवाज़ा लग रहा है, तो ये स्टेजेस हैं। तो ये उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशंस आर स्पेशलाइज टूल्स। ऑपरेटर एक्सप्रेशंस करके जो चीज़ है वो क्या है, वो जो स्टेशन है ना उसके अंदर एक बंदा है जो टाइट कर रहा है। ठीक है, अब दो तीन ऑपरेटर लगाओगे तो वो दो साइड से टाइट करेगा, इस तरह का आप इमेजिन कर लो। अच्छा, अब एक एग्रीगेशन में और एक सिंपल क्वेरी में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब क्या डिफरेंस है एग्रीगेशन वर्सेस क्वेरी। यूजिंग क्वेरी ऑपरेशन सच एज फाइंड मेथड यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस। तो ये सारे काम जो है ना क्या हो सकते हैं, क्वेरी से हो सकते हैं। क्या, सेलेक्ट विच डॉक्यूमेंट टू रिटर्न, कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के ले आएगा। सेलेक्ट विच फील्ड टू रिटर्न, अब उस डॉक्यूमेंट तो लाना है लेकिन कौन कौन सी फील्ड लानी है, तो प्रोजेक्शन से हमने वो बता दिया। सॉर्ट द रिजल्ट, रिजल्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तीन काम इससे हो सकते हैं। यूजिंग एग्रीगेशन ऑपरेटर यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन। मिसाल के तौर पर परफॉर्म ऑल क्वेरी ऑपरेशंस। पहली बात तो ये कि क्वेरी से होने वाले सारे के सारे काम वो एग्रीगेशन में हो सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई भाई, कि रीनेम फील्ड्स, कि कोई फील्ड आपने उठाई वो था उसका नाम था ऑथर आईडी, आप चाह रहे नहीं ऑथर आईडी नहीं इसको मैं रीनेम कर दूँ, वो रीनेम कर सकते हैं। कैलकुलेट फील्ड्स, अब फील्ड्स को मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि यार ये जो ऑथर आईडी है ना इसमें कितने कैरेक्टर हैं उसको मैं गिनूं और उसकी एक नई फील्ड बना दूँ या उसको गिन के कुछ कर दूँ उसके साथ, तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि फील्ड कितनी आई है, क्या आया है फील्ड के अंदर। समराइज डेटा, समराइज डेटा का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम आया, तो मैं उसको क्या कर दूँ, मैं जोड़ के उसको एक फुल नेम का एक फील्ड बना के उसको जोड़ के रख दूँ, तो समराइज हो गया, डेटा को छोटा कर दिया मैंने, क्योंकि जिस तरह मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना है मैंने वो बना दिया, वहीं से बना के मंगवा रहा हूँ। और ग्रुप वैल्यूज़, कि कुछ वैल्यूज़ इधर उधर से पकड़ के ना उसको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया, तो ये सारे काम इसमें कह रहे हैं कि यार हो जाते हैं। एग्रीगेशन ऑपरेशन हैव सम लिमिटेशंस, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट वॉयलेट डिसेंट डॉक्यूमेंट साइज लिमिट 16 मेगाबाइट। यानी एक डॉक्यूमेंट जो आप मंगवाएंगे, क्योंकि जाहिर है आप जोड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट को लाला के इकट्ठा कर रहे हैं या उसमें से आगे पीछे कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो जो उसका मैक्सिमम साइज़ होगा ना वो 16 मेगाबाइट होगा, यानी 16 MB का डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, 16 MB इतना बड़ा डेटा है कि मतलब एक छोटा स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट होगा तो उसका पूरे साल का डेटा 16 MB बनता है। तो ये इतना बड़ा है, मिसाल के तौर पे किसी इंस्टीट्यूट में अगर 5000 स्टूडेंट्स इनरोल हैं, ठीक है, 5000 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा उसमें 5000 डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिला के पूरा ना 16 MB से कम होगा। ठीक है, तो 16 MB इज़ अ वेरी वेरी बिग साइज़, तो एक डॉक्यूमेंट 16 MB से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करेगा मोस्टली हमारे केस में। अच्छा, पाइपलाइन स्टेजेस हैव मेमोरी ऑफ 100 MB बाई डिफ़ॉल्ट। अच्छा, एग्रीगेशन का ना यहाँ पे आ गया एक अदर डाउन साइड, पहला डाउन साइड ये आ गया। पहला डाउन साइड ये है कि जब आप एग्रीगेशन चलाते हो तो यहाँ से क्वेरी उठ के जाती है और वो सर्वर के अंदर जाके एग्जीक्यूट होती है।
अब सर्वर के अंदर जाके जब एग्जीक्यूट होती है ना, तो आपका सर्वर क्या होता है, मतलब सर्वर यानी डेटाबेस की बात हो रही है। तो आपका जो असल में जो डेटाबेस होता है आपका, यानी मोंगो डीबी एटलस जो होता है, वहाँ से आपने जो फ्री का डेटाबेस एक बनाया हुआ है क्लस्टर, तो उस क्लस्टर के अंदर एक अपनी रैम और प्रोसेसिंग पावर होती है। तो वो रैम आपको देता है 512 MB। तो वो कह रहा है कि एक एग्रीगेशन क्वेरी को ना जो मैक्सिमम रैम एलोकेट होगी वो 100 MB होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि अगर 200 लोगों ने एक साथ एग्रीगेशन चलाया, 200 लोगों ने एक साथ एग्रीगेशन अगर चला दिया, फ्रंट एंड से बटन दबाया एग्रीगेशन चला, और एक एक MB कंज्यूम करता है एक एग्रीगेशन का ऑपरेशन, तो उसका मतलब है 200 MB रैम गई आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेशन जो है बाई डिफ़ॉल्ट, हमें ये पता लग गया कि रिसोर्स हंग्री है, तो एग्रीगेशन हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो रिसोर्स हंग्री है क्योंकि उधर जाके एग्जीक्यूट होता है, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होता फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, फाइंड की जो क्वेरी है ऑन अदर हैंड वो कम रिसोर्स एक्सटेंसिव है, क्योंकि उसमें ये होता है जस्ट गया और लेकर आ गया, कोई प्रोसेसिंग नहीं करता उधर, वो जस्ट फाइंड की जो प्रोसेसिंग है यानी बाइनरी सर्च वाली जो प्रोसेसिंग है जस्ट वो करता है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं होती। तो मैं जितनी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इससे करवाऊंगा एग्रीगेशन के अंदर, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो मेरे लिए रिसोर्स हंग्री होता चला जाएगा। ठीक है, इफ़ नेसेसरी यू मे एक्सीड द लिमिट बाई सेटिंग द अलाउ यूज डिस्क यूज प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेशन ऑप्शन टू ट्रू। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपको इसको अलाउ करना है ज़्यादा, इससे 100 MB से भी ज़्यादा, अच्छा बाई द वे 100 MB रैम इज़ वेरी वेरी बिग साइज़, 100 MB की रैम बहुत बड़ी साइज़ होती है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसको करना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ जी, ये आ गया जी, रनेबल एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल यूजेस सैम्पल डेटा अबाउट अ रेस्टोरेंट, द फॉलोइंग कोड इंसर्ट इनटू रेस्टोरेंट कलेक्शन ऑफ द एग्रीगेशन डेटाबेस। ठीक है, कह रहे हैं कि जी हमारे पास ना ये एक एग्रीगेशन का सैम्पल डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे आगे जो एग्जाम्पल्स ये सिखा रहे हैं ना वो उसके ऊपर चलेगी। अच्छा क्या हो रहा है जी इसके सैम्पल डेटा में, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, स्टार्स हैं कि जी इस रेस्टोरेंट के स्टार कितने हैं, कैटेगरीज़ हैं कि इस रेस्टोरेंट में कौन कौन से कैटेगरी के फूड होते हैं, उसके अलावा हर रेस्टोरेंट का एक नाम है। ठीक है, तो ये 3 टोटल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है और एक एरे है। तो तीनों तरह का इसने ये डेटा इसके अंदर कवर किया हुआ है। अच्छा इन्होंने सारे को क्या कर दिया, इंसर्ट मैनी करके अंदर कर दिया डॉक्यूमेंट डेटाबेस के। ठीक है, और किस में डाला इसने, डेटाबेस का नाम एग्रीगेशन है और कलेक्शन का नाम है रेस्टोरेंट्स। ठीक है, रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है इसके अंदर। अच्छा हमारे केस में हमारा जो कलेक्शन है वो क्या है, पोस्ट्स है। आगे देखते हैं, अब एग्रीगेशन की एग्जांपल ये क्या क्या बता रहा है, टू परफॉर्म एन एग्रीगेशन पास अ लिस्ट ऑफ एग्रीगेशन स्टेजेस। अब वो कह रहा है कि एग्रीगेशन की जो स्टेजेस होंगी ना वो आप लिस्ट बना के प्रोवाइड करोगे कि पहले स्टेज में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, ये लिस्ट बना के आप पास करोगे। ठीक है, किसको पास करोगे, कलेक्शन डॉट एग्रीगेट को पास करोगे। ठीक है, अब हम पहले जो क्वेरी चलाते थे डॉट फाइंड वो नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे कलेक्शन डॉट एग्रीगेट। अच्छा वेक्टर सर्च में हमने एग्रीगेट को चला के तो देखा है, लेकिन हमने उस वक्त ये नहीं सीखा था कि वो एग्रीगेट में कर क्या रहा है, हमने उस वक्त ये नहीं सीखा था, हमने जस्ट ये सीखा था कि एग्रीगेट में ये काम हो रहा है। अच्छा इन द एग्जाम्पल द एग्रीगेशन पाइपलाइन यूजेज द फॉलोइंग एग्रीगेशन स्टेजेस। नंबर वन क्या करता है यार, एक 2 स्टेजेस इन्होंने बनाई हुई हैं इस नीचे एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, ये देखो पाइपलाइन बनाया, एरे है पहला और ये दूसरा, ये 2 स्टेजेस हैं। अच्छा नंबर 1 स्टेज में ये क्या करता है, अ मैच ऑपरेटर स्टेज, ये मैच ऑपरेटर इसने लगा के दिया है, टू फिल्टर फॉर डॉक्यूमेंट्स वोस कैटेगरी एरे फील्ड कंटेन द एलिमेंट बेकरी। कह रहा है कि यार सबसे पहले क्या करोगे कि मैच करोगे वो वाला डॉक्यूमेंट जिस में कैटेगरी क्या आती है, बेकरी आती है। अच्छा ये मैच का जो ऑपरेटर है ये एरे के सर्च के लिए इस्तेमाल होता है, ये फाइंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एग्रीगेशन से इसका ताल्लुक नहीं है इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे अभी तो हमने क्वेरी ये लगाई है ना कि ईमेल इक्वल टू दिस हो, ये लगाई है हमने। अगर कोई एरे होता ना हमारे पास तो हम ये लगाते हैं उसके अंदर, मैच करते हैं हम, कि मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना किसी बंदे का फेवरेट कलर जो है वो एक एरे है, किसी बंदे का फेवरेट कलर जो है वो क्या होता है, एक एरे होता है ना। अगर अब मुझे वो वाले लाने हैं जिन लोगों को रेड कलर पसंद है, अब किसी ने ग्रीन ब्लू रेड लगाया हुआ है, किसी ने ग्रीन वाइट रेड लगाया हुआ है, ठीक है, 3 कलर सब लोगों ने चूज़ किए हुए हैं, किसी ने ब्लैक और वाइट और रेड लगाया हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फाइंड की क्वेरी, और फाइंड की क्वेरी में मैं ये इतना पार्ट लिखूँगा, मैं ये नहीं लिखूँगा कि कलर इक्वल्स रेड, कलर इक्वल्स रेड में तो आएगा ही नहीं, वो तो एरे के अंदर है, तो मैं लिखूँगा कि मैच और फिर ये ब्रैकेट लगा के मैं लिखूंगा कलर इक्वल्स टू रेड, कि ये मैच करो, एरे के अंदर से ये निकाल के लो। तो ये इसने बता दिया सबसे पहला,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो क्वेरी लगा रहे हैं उसमें सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि वो पहली जो क्वेरी है वो तो पहले स्टेज में आ जाएगी, पूरी की पूरी क्वेरी आ जाएगी पहले स्टेज में, वो पूरा डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएगा जो जो हमें चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया, अ ग्रुप स्टेज टू ग्रुप द मैचिंग डॉक्यूमेंट बाई स्टार्स फील्ड। ठीक है, इसने कहा कि यार आप क्या करो, इसको आप क्या करो, स्टार्स की फील्ड से जो है ना इसको ग्रुप कर लो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटिंग अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ स्टार्स। ये इसने क्या बात की है, ओके ये किसी को समझ आएगी इसने क्या बात की है? दोबारा पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार अ ग्रुप ऑपरेटर स्टेज टू ग्रुप द मैचिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें से यहाँ से जितने डॉक्यूमेंट निकले उन सबको ग्रुप किया इसने बाई द स्टार्स फील्ड, स्टार्स फील्ड से उसको ग्रुप किया है। एक्यूमुलेटिंग अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू। अच्छा, पहले तो इन्होंने निकाला है कि बेकरी वाली सारी फील्ड निकालो, और बेकरी वाली सारी फील्ड के बाद ना वन स्टार में कितने वो अलग किया, टू स्टार में कितने वो अलग किया, थ्री स्टार में कितने वो अलग किया, ये इन्होंने यहाँ पे काम किया। नहीं, बेकरी की फील्ड के अंदर नहीं है ये, अभी नीचे रिजल्ट दिखा देगा ये, तो कुछ इस तरह से हो गया। आई डी फोर में काउंट टू है, आई डी थ्री में काउंट वन है। हाँ, मजीद उसके अंदर जो है ना काउंटिंग मारी है। असल में ये जो सारे डॉक्यूमेंट आए ना मैच हो गए, इसमें मिसाल के तौर पे चार डॉक्यूमेंट आ गए। पहला डॉक्यूमेंट जो था उसके अंदर उसने देखा स्टार कितने थे, इसने कहा अच्छा यार यहाँ पे ना वन स्टार है मिसाल के तौर पे, तो उसको काउंट कर लिया। नहीं, काउंट उसको नहीं कर लिया यार, आईडी उन्होंने रखा है स्टार को, यानी फोर स्टार वाला, ये फोर आईडी यहाँ पे आ गई स्टार की जगह पे, यानी ऊपर वाले में से जो स्टार आया ना वो यहाँ आईडी रखती है इसने, तो यहाँ आईडी आ गई स्टार फोर स्टार। अच्छा, फोर स्टार में दो काउंट हो गए, यानी फोर स्टार वाले दो रेस्टोरेंट हैं इसके अंदर, फिर थ्री स्टार वाले एक रेस्टोरेंट और फाइव स्टार वाला एक रेस्टोरेंट है, ये बात हुई है असल में। अच्छा, लेकिन अभी तक वो हमारा वाला मसला तो हल नहीं हुआ इससे, अभी तक इससे हमारा वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, वेल चलो अभी देखते हैं आगे, कहीं ये बता रहा होगा, लेकिन देखो बात तो समझ आ गई कि होगा इसी से, कि वो इससे मजीद डॉक्यूमेंट निकाल के लाएगा। पॉपुलेशन हमें करना तो इसी से पड़ेगा, क्योंकि वो मंगोस का पता नहीं फीचर है शायद, मंगोस उसके पीछे पता नहीं क्या चलाता है। तो अच्छा, फिर इन्होंने आगे क्या किया, एग्रीगेटर कर्सर कलेक्शन डॉट एग्रीगेट डॉट पाइपलाइन। अच्छा, पाइपलाइन इसको दे दिया, एग्रीगेटर कर्सर मिल गया। अब एग्रीगेटर कर्सर को या तो डॉट एरे में भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया उसको अवेट लगा के ना अलग अलग गेट किया। ठीक है, अवेट लगा के उसको तीन दफ़ा हिट किया तो तीन दफ़ा गेट हो गया वो। ठीक है, ये हमें पहले किया हुआ है। फाइंड की क्वेरी में भी ये दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, कर्सर मिलता है तो आप डॉट एरे भी कर सकते हैं और डॉट वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एडिशनल एग्जाम्पल्स इन दिस ब्लॉग पोस्ट। अब ये इस एग्जाम्पल में कहीं पर पॉपुलेशन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। एग्रीगेशन फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल आ गया पूरा। अच्छा, ये आ गया ना, ये सारा आइटम है इसके अंदर। प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो प्रोजेक्ट हम क्वेरी में भी सिंपल करते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैच कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं यार, लेकिन इसके अंदर वो वाला तो नहीं आया, अनवाइंड, ग्राफ लुकअप। अच्छा, एग्रीगेशन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, MongoDB एटलस के डैशबोर्ड पे भी जाके बना सकते हैं। गुड यार, अच्छा जी, सबसे पहले तो हो गया मैच स्टेट के कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर आए, जो वहाँ पे उन्होंने बताया था स्टेज वन में मैच लगा दिया था। अच्छा, अगला स्टेज ग्रुप स्टेज, अगला स्टेज हो गया ग्रुप।
अच्छा ये मेरे समझ आ गया कैसे होगा, ये मेरे समझ आ गया, ये होगा ऐसे जो मेरे अभी तक समझ आया है इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये मोंगो से बिल्कुल डिफरेंट है तरीका थोड़ा सा इनका। ये जो मैच वाला स्टेज है ना, यहाँ पे से जो भी आता है वो मुझे अगले में डॉलर करके मिलता है, तो मैं एक और मैच का स्टेट लगाऊंगा। लेकिन मसला ये कि मैं किस कलेक्शन पे लगाऊंगा ये तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, किस कलेक्शन में लगाऊंगा ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो वो उसको पता कैसे लगेगा, है ना, उसको पता कैसे लगेगा। तो स्टिल मुझे कुछ कुछ डेटा और भी चाहिए मुझे। अच्छा जी, सॉर्ट बता दिया इन्होंने, लिमिट बता दिया, दो अलग अलग कलेक्शन से लाना नहीं बताया इन्होंने अभी तक। नहीं ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा तो हमें ये तो पता लग गया कि एग्रीगेट से होता है, तो हम अब चलते हैं चैट जीपीटी से जाके बोलते हैं कि भाई हमें एग्रीगेशन करना है और हमें दो अलग अलग जो है ना कलेक्शन से हमें डेटा लाना है, सही है, तो वो हम किस तरह लेकर आएंगे, तो देखते हैं फिर ये क्या बताता है। वी हैव टू कलेक्शंस इन मोंगो डीबी, फर्स्ट इज पोस्ट एंड सेकेंड इज यूजर्स, ईच पोस्ट हैव इट्स ऑथर यूजर अंडरस्कोर आईडी, गिव मी अ Node.js MongoDB code to get all post with not just its author underscore ID but the actual object of user. सही है, आप देखते हैं ये एग्रीगेशन से करता है इसको या किसी और तरीके से करता है, एग्रीगेट से ही कर रहा है। इसने शुरू में बोल दिया कि यार ये रिट्रीव ऑल सारा एग्रीगेट से ही होगा। अच्छा अब हमें क्योंकि पता है सारा काम कि वो एग्रीगेशन चलता कैसे है, स्टेजेस पता है हमें, तो हम ये कोड बड़े आराम से समझ लेंगे अब। अच्छा देखते हैं जी क्या लिखा है इसने, ये इसने फंक्शन बनाया है गेट ऑल पोस्ट का, ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन देखने में ही मुश्किल लग रहा है लेकिन हम इसको बाइसेक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्होंने एग्रीगेशन में कितने स्टेजेस बनाए हैं और उन स्टेजेस में लिखा क्या हुआ है। अच्छा तो ये तो इन्होंने MongoDB का क्लाइंट कनेक्ट मारा और डेटाबेस के नेम के साथ ये कनेक्ट हो गया। अच्छा अब क्या बनाया इसने, ये बनाया पाइपलाइन, पाइपलाइन को छोड़ देते हैं, ये आगे है क्या। अच्छा फिर इसने बोला कि कलेक्शन और पोस्ट कलेक्शन जो भी है ना उस पर बना दिया, पोस्ट विथ ऑथर्स करके बना दिया। अच्छा फिर इस पोस्ट विथ ऑथर्स के ऊपर इसने क्या चला दिया, डॉट एग्रीगेट चला दिया, ठीक है, डॉट एग्रीगेट, यानी जिस पे हम फाइंड की क्वेरी चलाते हैं उस पे इन्होंने डॉट एग्रीगेट की क्वेरी चला दी, लेकिन उसमें पाइपलाइन में क्या डाला, अब ये अहम चीज़ है। आ जाओ भाई पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन में नंबर एक स्टेज बनाया, नंबर दो स्टेज बनाया इन्होंने और नंबर तीन स्टेज बनाया, ठीक है। इससे पहले मैंने मोंगोस पे किए पॉपुलेशन, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, एग्रीगेशन की मुझे आज से पहले ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रोडक्शन में भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, तो जिस तरह आपके लिए नया है मेरे लिए भी नया, तो जिस तरह अगर मैं कर सकता हूँ तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सही है, सब लोगों को दिख रहा है ना प्रोजेक्टर पर। अच्छा तो सबसे पहले तो इसने बोला कि यार लुकअप मारो, लुकअप क्या मारो, फ्रॉम, ये देखो ना इसने कलेक्शन का नेम अब बताया यहाँ पे, ये वो एग्जांपल में नहीं बता रहे थे, इसने बोला भाई फ्रॉम करके मारो यूज़र के कलेक्शन का नाम बताओगे, भाई इस लुकअप कहाँ करना है, इसके अंदर करना है, कौन सी फील्ड्स करनी है, ये वाली फील्ड्स करनी है, ठीक है, इस फील्ड के जरिए लुकअप करके लाना है। अच्छा फॉरेन फील्ड कौन सी होगी, अंडरस्कोर आईडी एक होगी फॉरेन फील्ड, और एज उसको ऑथर बना के लाओ,
यानी एक अंडर स्कोर आई डी के नाम से इसमें कोई चीज़ होगी उसको ऑथर बना के लो, लेकिन हमें इसको मोस्ट प्रॉब्ली हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे केस में जब ये अच्छा ये इसको तो पहले पोस्ट में से करना था ना, ये इसने क्या किया, पहले तो पोस्ट में से करना था इसको, पहला पोस्ट उठा के लाना था, ये पहले इसने यूज़र उठा लिया। अच्छा वेल समझते हैं, लेकिन निकला इसको। अच्छा फिर इसने बोला कि यहाँ से जो भी मिले आपको उसमें से अनवाइंड करोगे क्या चीज़, आप ऑथर, ठीक है अनवाइंड करोगे आप ऑथर, ओके गॉट इट। नहीं ये सही इसने लिखा है, ये सही पता है क्यों लिखा है, ये सही इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो इसने बता दिया ना कि किस कलेक्शन के ऊपर चल रहा है, तो उस कलेक्शन में से ही आएगा, ठीक है। ये जस्ट ये बता रहा है कि यार फॉरेन फील्ड जो है ना अंडर स्कोर आई डी आएगी और उसमें यहाँ से यूज़र उठा के लाना है, तो हम इसको करेंगे ऑथर आई डी, ये इसमें अंडर स्कोर आई डी जो लिखा हुआ, ठीक है, और उसको हम कुछ करेंगे, हम थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमें एक्चुअली इसमें। अच्छा आ जाओ भाई, कह रहे हैं ऑथर को अनवाइंड करो, ऑथर के नाम से जो भी होगा हम उसको अनवाइंड करके लाते हैं, हमारे केस में ऑथर अंडर स्कोर आई डी है वो। अच्छा फिर कह रहे हैं कि क्या करो आप, प्रोजेक्शन लगाओ, प्रोजेक्शन में अंडर स्कोर आई डी को 1, टाइटल को 1, कॉन्टेंट को 1 और ऑथर को 1, ऐसे करके मंगवा रहे हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं, चुप करके इसको जल्दी से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके फिर हम देखते हैं कि इसको क्या चेंज करने से ये सही चलता है और क्या चेंज करने से ये मर जाता है। सही है आ जाओ भाई, और डॉट टू एरे तो इसने लगाया हुआ है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ इसको हमने किया बंद, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार कॉन्स्ट कर्सर इक्वल्स टू, ठीक है कलेक्शन डॉट एग्रीगेट, और कलेक्शन डॉट एग्रीगेट के अंदर क्या कर देता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा पाइपलाइन इसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है पाइपलाइन मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर लगा दिया है ना, कलेक्शन डॉट एग्रीगेट के अंदर ये पूरा का पूरा पाइपलाइन लगा दिया। अच्छा ये जो मेरा कलेक्शन है ये कौन सा कलेक्शन है, ये पोस्ट का कलेक्शन है, ऊपर जाके देख भी लेते हैं इसको हमने क्या बनाया हुआ, ठीक है ये कलेक्शन जो है ये पोस्ट का कलेक्शन है, ठीक है और यूज़र कलेक्शन अलग है। तो मैंने पोस्ट की कलेक्शन पे डॉट एग्रीगेट चला दिया और मैंने क्या बोल दिया, ये यूज़र कलेक्शन। अब ये यूज़र कलेक्शन क्या चीज़ है, यूज़र कलेक्शन का जो भी नाम है, एक्चुअली यूज़र कलेक्शन का जो नाम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम है उसका यूज़र कलेक्शन का, यूज़र्स नाम है, सही है यूज़र्स नाम है, सही है यूज़र्स के कलेक्शन का नाम आ गया। अच्छा ये लोकल फील्ड क्या चीज़ होती है, अच्छा लुकअप को हम ज़रा अलग से भी शायद देख सकते हैं कि लुकअप के अंदर क्या क्या चीज़ हो जाती है, लुकअप को ना हम क्या करते हैं MongoDB लुकअप का जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा अलग से भी देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम लिख रहे हैं वो लिख क्या रहे हैं हम, लुकअप, ठीक है लुकअप आ गया जी हमारे पास। अच्छा लुकअप के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं ये बता क्या रहे हैं बात, कह रहे हैं कि परफॉर्म अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्या कर देता है ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन को ये परफॉर्म करता है टू अ कलेक्शन इन द सेम डेटाबेस। इसका मतलब ये हुआ कि लुकअप के अंदर मैं सेम डेटाबेस के अंदर कहीं पे भी जाके लुकअप कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है और ये आउटर ज्वाइन क्या होता है, अभी हम इसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ते, लेकिन ज्वाइन का मतलब असल में ये होता है कि मैं एक कलेक्शन से डेटा उठाता हूँ और उसके अंदर एक फील्ड मौजूद है उसके अगेंस्ट मैं दूसरे से डेटा उठा के यहाँ पे ला के रखता हूँ, तो दो कलेक्शन को मैं ज्वाइन करता हूँ एक्चुअली, ठीक है ये SQL की टर्म है। अच्छा इसके अंदर इस टर्म को चेंज किया गया था मोंगोज में, इस चीज़ को हम कहते हैं पॉपुलेशन, ज्वाइन नहीं कहते इसको, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन का वर्ड अगेन यूज़ कर दिया, ठीक है वेल देखते हैं क्या कहते हैं आगे ये। अच्छा जी तो पॉपुलेशन को और ज्वाइन असल में एक ही चीज़ है, पॉपुलेशन जो है वो NoSQL की टर्म है और ज्वाइन जो है वो SQL की टर्म है, जैसे MySQL वगैरह में ज्वाइन का वर्ड यूज़ होता है इस चीज़ के लिए। इन द सेम डेटाबेस टू फिल्टर द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ज्वाइंट कलेक्शन फॉर प्रोसेसिंग, अच्छा द लुकअप स्टेज एड्स न्यू एरे फील्ड टू ईच इनपुट डॉक्यूमेंट। ये क्या कह रहा है कि लुकअप का जो स्टेज होता है वो क्या करता है, एड कर देता है अ न्यू एरे फील्ड, एक नई एरे की फील्ड एड कर देता है टू ईच इनपुट डॉक्यूमेंट, कि जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसके अंदर एक एक एरे डाल देता है ये। अच्छा द न्यू एरे फील्ड कंटेन्स द मैचिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम ज्वाइंट कलेक्शन, अच्छा जो भी ज्वाइंट कलेक्शन होता है वो क्या कर देता है, द न्यू एरे फील्ड कंटेन्स द मैचिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ज्वाइंट कलेक्शन। अच्छा वो जो एरे आता है उसके हर इंडेक्स में एक एक कलेक्शन होती है, एक एक डॉक्यूमेंट होता है जो भी मैच के अगेंस्ट मुझे मिला है। अच्छा ये ज़रा अभी ज़्यादा हो रहा है, हम सीधा आगे चलते हैं और इसके सिंटैक्स पे आते हैं। अच्छा फ्रॉम के अंदर कह रहा है ज्वाइन के कलेक्शन का नेम होगा, जिस कलेक्शन से भी डेटा उठा, एक तो क्वेरी जिस पे चल रही
है ना, मिसाल के तौर पे अभी पोस्ट वाले कलेक्शन के ऊपर मैं डॉट एग्रीगेट कॉल करूँ तो असल में पोस्ट उठा के लाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन पोस्ट उठाते हुए मुझे किस किस अलग अलग डॉक्यूमेंट से चीज़ लानी है ना, तो वो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्म में कि जी यहाँ से भी लेके आ जाओ। अच्छा, लोकल फील्ड क्या है? फील्ड फ्रॉम द इनपुट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इनपुट डॉक्यूमेंट आप किसको कह रहे हैं? ये जो सामने से दूसरे फील्ड से आया है या जो इस का वाले का है, ये नहीं पता अभी, देखते हैं। फॉरेन फील्ड, अच्छा सही है, फॉरेन और लोकल समझ आ गया। लोकल का मतलब है कि जिसके ऊपर क्वेरी चल रही है उस कलेक्शन का, और फॉरेन का मतलब है कि जो सामने से दूसरा उठा के ला रहा हूँ उसका। अच्छा, तो मेरे लोकल फील्ड में मुझे सब चाहिए, लोकल फील्ड में मुझे सब चाहिए, और फॉरेन फील्ड में मुझे नेम चाहिए और फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, है ना, या जो भी चाहिए होगा वो मैं लिख दूंगा। अच्छा, एज आउटपुट एरे फील्ड। अच्छा, अब फॉरेन फील्ड में जो जो चाहिए और किस नाम से चाहिए, यहाँ पे जिस नाम से है मुझे उसी नाम से चाहिए, तो मैं एज लिखूंगा ही नहीं, एज फिलहाल मैं लिखूंगा ही नहीं। आ जाओ भाई, अब तो ये हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हम क्या लिख रहे हैं। तो फ्रॉम लिख दिया, लोकल फील्ड और फॉरेन फील्ड, आ जाओ भाई। अच्छा, लोकल फील्ड के अंदर, अच्छा ये तो कह रहा था एरे फील्ड फ्रॉम द, अच्छा एरे नहीं लिखा है इसने, फील्ड फ्रॉम द इनपुट डॉक्यूमेंट लिखा है बस। यार बस मैं 5 मिनट वाइंड अप करूँगा। अच्छा, पहले तो देख लेना इसमें है क्या क्या। अच्छा, लोकल में से मुझे चाहिए टेक्स्ट, टाइटल और ये क्रिएटेड ऑन। अच्छा, टेक्स्ट, टाइटल, ये मुझे चाहिए लोकल में से सारा। अच्छा, और ऑथर आईडी का क्या नाम रखा है मैंने, वो यहाँ लिख देता हूँ। ऑथर आईडी का मैंने रखा है ऑथर अंडरस्कोर आईडी ना, ये नाम रख देता हूँ मैं यहाँ। अच्छा, ये जो इन्होंने चैट जीपीटी ने लगाया इसको हटा देता हूँ, मुझे लोकल फील्ड से ऑथर आईडी, मुझे लोकल फील्ड से यही आइटम चाहिए। अच्छा, फॉरेन फील्ड से मुझे क्या चाहिए? फॉरेन फील्ड से मुझे चाहिए, अब यूज़र्स के उसमें चलते हैं कलेक्शन में क्या है, यूज़र्स के कलेक्शन में मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल चाहिए। अच्छा, एज मैं लिख ही नहीं रहा फिलहाल, ठीक है, एज मैं नहीं लिख रहा, ये हो गया जी। अच्छा, अनवाइंड ऑथर, अब हमारे केस में ऑथर नहीं, हमारे केस में ऑथर आईडी नाम है इसका, मैंने कहा इसको अनवाइंड करो, अनवाइंड का मतलब है कि उसको भी ले आओ साथ में। अच्छा, फिर प्रोजेक्शन में क्या लगा दिया इसने? अच्छा, प्रोजेक्शन भी मुझे नहीं लगानी, मुझे जो है एज इट इज़ चाहिए। प्रोजेक्शन अभी थोड़ी देर में लगाता हूँ मैं, प्रोजेक्शन ना, बल्कि प्रोजेक्शन को मैं पूरा रिमूव नहीं करता, प्रोजेक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्शन तो मुझे चाहिए ना यार, वो वरना वो एम्बेडिंग वेम्बेडिंग सब उठा के लाता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने लास्ट में इसको कॉल कर दिया, ये कर्सर के ऊपर डॉट टू एरे तो पहले से ही लगा हुआ था, तो जस्ट मैंने क्या कर दिया, ये फाइंड की क्वेरी हटा के अब मैंने एग्रीगेट लगा दिया इसके ऊपर। अब आगे देखते हैं ज़रा, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मिलता क्या है यहाँ पे, जो पहले मुझे मिलता था अब उसकी जगह क्या मिलता है। अच्छा, फीड अभी भी फेल हो रहा है, फीड क्यों फेल हो रहा है भाई, एज इसको शायद रिक्वायर्ड है शायद। मोंगो डी सी मस्ट बी सिटी एज फील्ड, अच्छा इसको रिक्वायर्ड है भाई, एज फील्ड चलो लगा देते हैं, एज ऑथर आई डी कर देते हैं, सही है, जो ऑथर आई डी था वही एज एज उसी तरह से। अच्छा, अब आ गई भाई फीड, आ गई फीड, आ गई फीड, आ गई हमारे पास। अच्छा, वो एम्बेडिंग आ गई, लेकिन वो ऑथर ऑथर की जगह पे वो एक्चुअल चीज़ आई कि नहीं आई? यार एक मिनट, प्रीव्यू में ना इस पे चलते हैं। अच्छा भाई, ये आ गया ऑथर आईडी की जगह पे, ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट आ गया, बेहतरीन काम हो गया, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नई बात थी कि पॉपुलेशन जो है वो, मुझे आज पता लगा पॉपुलेशन MongoDB का फीचर नहीं था, वो वो मोंगोस की लाइब्रेरी का फीचर था वो। खैर, तो काम सारे MongoDB में हो रहे हैं, वो मोंगोस का भी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये हमने क्या कर लिया, पॉपुलेशन वाली चीज़ को आज अचीव कर लिया, यहाँ पे जहाँ पे हमने छोड़ा है आज की क्लास को, यहीं से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हमें पोस्ट का हुलिया सही करना था, अब देखो उसमें पासवर्ड भी आ रहा है, अब पासवर्ड के लिए अभी इसको यार ये लगा लेते हैं, बल्कि हाँ ये प्रोजेक्शन के अंदर ना, प्रोजेक्शन में मैं इसको बता देता हूँ कि भाई वो पासवर्ड जो है ना, मुझे हटा दो पासवर्ड, पासवर्ड हटा दो भाई। क्या क्या आता है इसके अंदर, क्रिएटेड ऑन ऑथर आईडी का मुझे, अच्छा पहले तो मुझे पोस्ट में क्या क्या चाहिए ये देखो ना,
पोस्ट में मुझे चाहिए क्रिएटेड ऑन टेक्स्ट और टाइटल और अंडर स्कोर आई डी, ये चार चीज़ चाहिए मुझे। ठीक है जी, अंडर स्कोर आई डी, टेक्स्ट और टाइटल, कंटेंट वगैरह मेरे पास है नहीं, सही है। अच्छा, और क्रिएटेड ऑन भी चाहिए मुझे, क्रिएटेड ऑन भी चाहिए मुझे। तो ये मेरा पोस्ट के सारे आइटम हो गए, यही है ना पोस्ट में, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ऑथर के अंदर मुझे अब क्या, अच्छा पहले इसको चेक करते हैं, पहले इतने को चेक करते हैं कि इतना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। इतना सही चल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके बताएंगे कि यार ऑथर में भी क्या क्या लाना है। अच्छा, ये ऑथर ऐसे तो नहीं था, ये ऑथर आईडी है, ऑथर नहीं है, ये ऑथर आईडी है असल में। अच्छा देखो यार, ये एज वाली फील्ड ना है तो मेक सेंस, एज वाली जो फील्ड है वो है तो मेक सेंस, वो मेक सेंस इसलिए है कि यार अब तो वो आईडी थोड़ी है, अब तो उसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट है ना, अब तो उसके अगेंस्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे एज में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एज में मैं लिखूँगा ऑथर ऑब्जेक्ट लिखूँगा अब मैं, है ना, ऐसे लिखूँगा अब मैं, और मैं बोलता हूँ भाई इस ऑथर ऑब्जेक्ट को अनवाइंड मारो आप, ऐसे करूँगा ना मैं। और यहाँ पे भी मैं आके लिखूँगा भाई ऑथर ऑब्जेक्ट अब, क्योंकि अब तो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो एज की फील्ड सही रिक्वायर्ड रखी है इन्होंने। सही है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ सही है ना, अभी ऑथर ऑब्जेक्ट के नाम से आ रहा है, अब आईडी थोड़ी है इसके पीछे, आईडी तो पहले सिंगल आईडी होती थी, ऑथर ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा, अब मेरे पोस्ट के अंदर वो एम्बेडिंग आना बंद हो गई है, एम्बेडिंग नहीं आ रही अब मेरे पोस्ट में। अच्छा, अब मुझे ऑथर के अंदर क्या चीज़ नहीं चाहिए भाई, मुझे इसका क्रिएटेड ऑन नहीं चाहिए, कब बनाया मुझे क्या लेना देना इससे, मुझे तो उसका नाम दिखाना है जस्ट। ईमेल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ईमेल ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छा, वो ईमेल मैंने वहाँ से उड़ा दिया शायद। अच्छा तो चलो ईमेल रख लेते हैं, क्रिएटेड ऑन, ईमेल, ये दो चीज़ हो गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार आप आ जाओ ऐसे, इसका मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और मैं इसके अंदर बोल देता हूँ कि यार जस्ट पासवर्ड को ना आप ज़ीरो कर दो, जब मैं पासवर्ड को ज़ीरो करूँगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें रहेंगी, जस्ट पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। मैं ये 0 1 दोनों कर सकता हूँ ना, प्रोजेक्शन में लास्ट टाइम नहीं देखा था, तो इसको ज़रा सेट मेट करके फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने इसको दोबारा, और अब मैं देखता हूँ फीड में मुझे, अरे फीड फेल क्यों हो गया मेरा, क्या बोल दिया इसने, क्या कर दिया मैंने इसके साथ ऐसा। एक मिनट, एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। अच्छा, इसको पता नहीं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट को, डॉट प्रोजेक्ट को ज़रा देख लेते हैं ना डिटेल में जाके, मुझे लग रहा है इसमें शायद इस तरह एरे नहीं दे सकते, पता नहीं क्या देते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। एग्रीगेशन के अंदर प्रोजेक्ट को देख लेते हैं ज़रा, इसमें क्या क्या हो सकता है। नेस्टेड वाले को कैसे करेंगे हम, कोई तो तरीका होगा। फील्ड ज़ीरो, फील्ड ज़ीरो ये हो गया, और नेस्टेड, यार अलाउ तो कर रहे हैं नेस्टेड में, 0 और 1 है ना, यही तो किया हमने भी, हमारे को क्यों नहीं अलाउ कर रही है। आओ ज़रा यार इसको एक एक करके करते हैं, यूज़र्स में चलते हैं, यूज़र्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार फर्स्ट नेम 1, लास्ट नेम 1, अब देखते हैं क्या होता है, अब क्या सही चल रहा है ये, अभी सही है। फिर अब पहले क्या मसला था, ऑथर ऑब्जेक्ट में अब क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। अच्छा चलो, एक एक करके जो जो चाहिए वो लगा देते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अलावा मुझे चाहिए ईमेल, और बस ईमेल चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल चाहिए, सही है। तो मेरा ये बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया, इस कोड को मैं क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम अपनी क्लास को आज क्या कर लेते हैं, हम वाइंड अप कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं फीड में हमें फाइनली क्या मिल रहा है। तो फीड में हमें फाइनली कुछ इस तरह की अब चीज़ मिल रही है, ठीक है, ऑथर आईडी की जगह पे ऑथर का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मुझे मिल रहा है, जो कि मैंने एग्रीगेशन के जरिए क्या करवा लिया, इसको गेट करवा लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, इस पोस्ट के हुलिये को ज़रा मज़ीद बेहतर करते हैं, और लाइक के ऊपर हम मूव करते हैं, जो एक्चुअल हमारा काम है, ठीक है, क्योंकि लाइक करने में हमने करना क्या, अप्रोच हमारी क्या होगी, अप्रोच ये होगी कि बंदा जब क्लिक करेगा ना पोस्ट के ऊपर, तो हम उस बंदे की यूज़र आईडी उठा के कहाँ रख देंगे, उस पोस्ट के अंदर लाइक्स का एक एरे होगा, उस एरे में डाल देंगे। तो लिहाजा क्या होगा, जब भी मैं पोस्ट गेट करूंगा उस एरे की मैं क्वांटिटी देखूंगा, अच्छा इस एरे में कितने आइटम है, 10 आइटम है, या लिहाजा
10 लाइक है, लिहाजा 10 लाइक है। अब मैंने ये देखना है वो लाइक किस किस ने बंदे ने किए हैं, तो मैं जब उस पर क्लिक करूँगा ना कि व्यू ऑल लाइक्स, फेसबुक में ये था ना व्यू ऑल लाइक्स देखते हैं, तो लिस्ट दिखा रहा होता है बंदों की, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं एग्रीगेशन मारूँगा, मैं कहूँगा ये एरे उठाओ, इन सारे आई डीज़ की जगह मुझे पूरे पूरे ऑब्जेक्ट दो, मुझे लाइक्स की लिस्ट दिख जाएगी पूरी। अच्छा डिसलाइक में क्या करूँगा, एरे से रिमूव कर दूँगा मैं आई डी, लाइक में ऐड करूँगा, डिसलाइक में रिमूव करूँगा, और लाइक देखने के लिए मैं एग्रीगेशन इसी तरह चलाऊँगा जैसे मैंने आज ये वाला काम किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं, फिर कमेंट्स थोड़ा सा टू स्टेप है, लाइक जो ज़रा सा सिंपल है, कमेंट्स उसका टू स्टेप है, क्योंकि कमेंट्स में सिर्फ आईडी नहीं होती बल्कि एक साथ में डेटा भी होता है कि यार इस बंदे ने कमेंट किया और कमेंट क्या किया है वो भी होता है, कमेंट किस वक्त किया है वो भी होता है, फिर कमेंट्स के ऊपर भी मजीद लाइक्स हो सकते हैं, तो फिर वो नेस्टेड नेस्टेड चलता है, लेकिन अप्रोच यही है जो आज हमने सीख ली है ऑलरेडी। ठीक है, पॉपुलेशन वाली अप्रोच है, या उसको आप लेफ्ट ज्वाइन कह सकते हैं, आउटर ज्वाइन कह सकते हैं। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि